नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी दुनिया में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इन डेप्थ में एनालिसिस करेंगे बेलिफ ब्लास्टर्स वर्सेस सैफ्रन स्ट्राइकर्स के बीच जो होगा ड्रीम इलेवन स्पाइस आईएसएल टी10 2023 का आज का दिन का जो खेला जाएगा गाइस दूसरा मैच। दोस्तों ये इस टूर्नामेंट का ना सेकेंड मैच होगा, दो न्यू टीम खेलेंगे तो आपको ना रिकॉर्ड समझना पड़ेगा। देखो स्पाइस आईएसएल टी10 का ये थर्ड एडिशन है, इससे पहले दो एडिशन हो चुका है। लास्ट एडिशन में प्लेयर्स के ना मैच बाय मैच रिकॉर्ड में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ध्यान से वीडियो देखो, मेरा ऑब्जर्वेशन रहेगा कि शायद इस मैच में थोड़े से रन कम विकेट ज्यादा बनते हुए दिखे, गिरते हुए दिखे सॉरी। क्यों ना, क्योंकि जो होता है कुछ प्लेयर्स लाइक एंड्री फ्लेचर हुआ, एली कतानेस हुआ, ये प्लेयर्स जो बड़ा स्कोर बना सकता है ना वो इस मैच का अगर पार्ट नहीं रहेगा तो कैसे बड़ा स्कोर बनेगा। तो उसमें बॉलर्स के परफॉर्मेंस ज्यादा मैटर करेगा, बॉलर्स आपके लिए ज्यादा मैटर करेगा। तो ध्यान से वीडियो अंत तक जरूर देखना, पसंद आया तो लाइक करना, चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए फटाफट से जुड़ सकते हो आप टेलीग्राम दोस्तों, क्योंकि जो अपडेट्स एंड डेमो टीम होगा मैं वो शेयर करूंगा आपके साथ टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। आते हैं इस मैच के एनालिसिस पॉइंट में, लाइक करके स्टार्ट रखना। 12 बजे ये मैच स्टार्ट होगा, 100 रन के आसपास एवरेज स्कोर यहाँ पे, क्लाउडी वेदर रहना चाहिए, न्यूट्रल विकेट है, शॉर्ट बाउंड्रीज रहेगा। देखो टूर्नामेंट का ये अब स्टार्टिंग है, दूसरा ही मैच है तो अभी पिच फ्रेश है, बट एक आधा मैच के बाद शायद यहाँ पे स्पिन बहुत ज्यादा प्ले में आते हुए दिखे आपको। बीएलपी के प्लेयर्स में अगर देखोगे ना, डेवन स्मिथ ओपन कराएगा कैम्बेल के साथ। देखो कैम्बेल डेवन स्मिथ दोनों बहुत ही अच्छे प्लेयर है। डेवन स्मिथ तो दोस्तों बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, डेनिस स्मिथ वन डाउन के लाएगा, फिर बेंजामिन वेबल। दोनों में कंपेयर करोगे तो इनका बैटिंग में टॉप फोर मुझे डिसेंट लग रहा है, खास करके टॉप टू डेवन स्मिथ और एच कैम्बेल। बट वो जो प्लेयर जो आपको बहुत बड़ा बैटिंग से परफॉर्मेंस दे सकता है वो आपको वेनिस दिखेगा दोनों ही टीम में, ठीक है। डेनिस स्मिथ अगर देखोगे इनसे विकी कराएगा, फर्स्ट क्लास खेलते हैं दोस्तों ये, बट थोड़े से स्लो खेलते हैं। लास्ट ईयर का सब मैच का रिकॉर्ड देखो, 6, 15, 18, 19, 3, 16, 8 लास्ट ईयर के रिकॉर्ड्स, एक भी 20 प्लस स्कोर नहीं दिखेगा डेनिस स्मिथ का, बट ये आपको विकी से तो पॉइंट देगा ना। डेवन स्मिथ फर्स्ट क्लास खेलते हैं विनवर्ड आइसलैंड के लिए, दोनों में अगर फर्स्ट क्लास का बीट देखोगे ना इनके मुकाबले इनका रिकॉर्ड बेटर है। टी10 में इन्होंने 40, 7, 3, 6, 20, 37, 42, 27, 19 लास्ट के कुछ मैच का रिकॉर्ड है टी10 का इनका। किसका दोस्तों? डेवन स्मिथ का। इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, लास्ट ईयर के रिकॉर्ड मैंने बताया आपको। क्लिन क्रूनी ने 9 रन बनाए, इग्नोर करेंगे। बेंजामिन वेबल ये आपको दोस्तों मिडल ऑर्डर में खेलते हुए दिख सकते हैं, टॉप ऑर्डर में भी आएंगे बट मुझे मुश्किल लग रहा है तो मैं नहीं लेने वाला, क्योंकि मिडल ऑर्डर लास्ट ईयर में देखोगे सब इनिंग्स देखो 26 का एक नॉक था, 28 का नॉक था, बाकी हर मैच में फ्लॉप बंदा। कैम्बेल ने अच्छा खेला स्पेशली लास्ट के कुछ मैच में, 42, 23, 5, 5, 4, 20, 0, 2 ध्यान दो एक बात के ऊपर, एक 42 का नॉक हटा दो कितना इनिंग्स है इनका, एक विकेट जो बॉलर लेने से जितना पॉइंट देगा उससे ज्यादा, 23 का नॉक है, 20 का नॉक है, तो बहुत ही कम पॉइंट्स दे रहा है दोस्तों, एक विकेट से भी कम पॉइंट्स दे रहा है, सिर्फ एक इनिंग्स ने एक विकेट से ज्यादा पॉइंट दिया। कुछ प्लेयर्स न्यू खेलने वाले हैं, ये अगर खेलता है तो मैं शेयर करूंगा आपके साथ टेलीग्राम पे, बहुत ज्यादा अंडर 19 लेवल के प्लेयर्स रहते हैं दोस्तों। अगर देखोगे के हैमिल्टन, ये इस टीम का इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, जो दो ओवर बॉलिंग के साथ साथ ही साथ बैटिंग से पॉइंट देगा। मैं प्रेफर करूंगा ज्यादा रिस्क मत लो और ऐसे जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है उन्हीं के साथ स्टिक रहो। के हैमिल्टन आपके लिए मस्ट पिक बनता है, बैट बॉल दोनों से पॉइंट देगा। रिचर्ड रॉजर्स लेग स्पिन बॉलिंग करता है दोस्तों, एक बार ओपनिंग के पास कितना राइट हैंडेड बैटर है देख के ट्राई करना, बट हैमिल्टन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मस्ट पिक है। पेस्कल बॉलिंग फर्स्ट दोस्तों, जहर पी के डेथ में बॉलिंग कराएगा, बॉलिंग फर्स्ट पेस्कल। लास्ट देखो लास्ट ईयर का सभी मैचेस के मैंने रिकॉर्ड आपके साथ शेयर कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा पेस्कल। ए रमनौत दोस्तों लास्ट ईयर कुछ मैचेस खेले थे जहां पे इन्होंने बॉलिंग से दो और एक विकेट निकाला, बॉल फर्स्ट ट्राई करना है तो करो, मैं प्रेफर जरूर करूंगा नेल्सन पेस्कल के साथ। ये क्या कराता है? ऑफ स्पिन, ठीक है। और बाकी दोस्तों अगर देखोगे इनसे ये ऑफ स्पिन कराएगा, राइट आर्म लेग स्पिन कराएगा रिचर्ड, ठीक है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स कराएगा के हैमिल्टन, ठीक है ना, ये बात याद रखना। और इनमें कितना लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन है, एक लेफ्ट है दोस्तों डेवन, बाकी सब राइट हैंडेड बैटर है, ठीक है। अब देखो ऐसे इसके प्लेयर्स इनके पास क्या है, लेफ्ट हैंडेड है बेंजामिन, उसके बाद ज्यादातर राइट हैंडेड है, मतलब हैमिल्टन जरूर ओवर कंप्लीट कराएगा, ठीक है, और लेग स्पिनर जो रिचर्ड्स है उसके चांसेस ज्यादा रहेगा बॉलिंग के साथ रमनौत के मुकाबले, क्योंकि ज्यादातर क्या है दोस्तों राइट हैंडेड बैटर है। अब ये जो टीम है ना इनके पास रियान जॉन है, बहुत अच्छा टी10 एक्सपीरियंस है इनके पास, बेंजामिन है एक अच्छा बैटर है, नाइथ्रम है इनके पास, कट्टो है इनके पास, तो ये जो टीम है ना कंपेयर टू इनके ओपोनेंट इनका टॉप फोर देख लो और इनका टॉप फोर देखो, मुझे लगता है कि इनका टॉप फोर वीक है, इनका बैटिंग यूनिट वीक है कंपेयर टू इनके ओपोनेंट।
जो बेटर बैटिंग यूनिट मेरे हिसाब से प्रोवाइड कर रहा है, बेंजामिन नाइथराम कटो है, रयान जॉन है, साइरस है, किम चर्ल्स भी बहुत अच्छा प्लेयर है, तो मुझे ये टीम बेटर लग रहा है। किम चर्ल्स पावर प्ले में डालता है, ऑफ ब्रेक बॉलर, और इनके पास लेफ्ट हैंडेड बैटर कौन है गाइस, इनके पास लेफ्ट हैंडेड डेवन स्मिथ है, तो थोड़ा सा दोस्तों मुश्किल हो सकता है डेवन स्मिथ को बैटिंग से ज़्यादा पॉइंट्स देना। अगर आप यहाँ पे देखोगे इनके प्लेयर्स के परफॉर्मेंस से, लास्ट ईयर का मैं बात कर रहा हूँ, कटो का एक 45 का नॉक, एक 30 का, एक 66 का, एक 20 का, एक 18 का, बाकी कितना इनिंग्स फ्लॉप है, 1, 2, 9, 1, 18, 4-5 इनिंग्स फ्लॉप है। बैटिंग के साथ कोई कंसिस्टेंसी आपको नहीं दिखेगा, तो दोस्तों टीम में रखना बनता है, कैप भी सेफ नहीं बनाना है। बेंजामिन का देखो 157 का नॉक है, बाकी दोस्तों बैटिंग के साथ ज़्यादा कंसिस्टेंसी इनका भी नहीं है, बट हाँ सेफ प्लेयर है क्योंकि विकी प्लस बैटिंग है ना। निकोबी जॉन 1, 4, 4, 16 इग्नोर करेंगे, लास्ट ईयर का रिकॉर्ड मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। मैथ्यू एनिल लास्ट ईयर का T10 में 3 मैच में बैटिंग नहीं मिला, 2 मैच में 2 और 5। स्टीफन नेथ्रम T10 में 7, 10, 12, 0, 9, 23, 29, 31, 48 स्टार्ट अच्छा था, 23, 29, 31, 48, उसके बाद ये दोस्तों परफॉर्मेंस खराब हुआ, बट नेथ्रम एक्सपीरियंस प्लेयर है, कमबैक कर सकते हैं दोस्तों, अच्छा खासा हिटर है स्टीफन नेथ्रम। यूसुफ जसाद इग्नोर करेंगे, कस्केम चॉल्स मस्ट हैव है दोस्तों, 2 ओवर डालने वाला बॉलर, ऑफ स्पिनर है, ओपोनेंट के पास लेफ्ट हैंडेड बैटर प्रॉब्लम में कराएगा, ये बेसिकली पावर प्ले एंड डेथ में करा लेता है बॉलिंग, हर मैच में विकेट है 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1 और लास्ट मैच में भी 2 विकेट। ये यार कमाल का कैप्टन वाइस कैप्टन है केम चॉल्स। रियान जॉन यार ये सबका कैप्टन बनेगा, रिसेंटली इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, कौन सा सीरीज खेले थे दोस्तों रियान जॉन के साथ हम लोग रिसेंटली, विंसी T10 खेला था, देखो लास्ट के कुछ मैच में ये विकेटलेस थे, बट ये सॉलिड प्लेयर है, ड्रॉप रोटेट नहीं कर सकते, और रिसेंटली फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, और रिसेंटली विंसी T10 में इन्होंने बैटिंग के साथ भी एक आधा मैच में बहुत अच्छा नॉक खेला था। साइरस ने दोस्तों अगर देखोगे लिस्ट में 1 रन 2 विकेट है, उससे पहले 2 ओवर डाल रहा है, रिसेंट प्लेयर है साइरस, मेरे हिसाब से टीम में रख सकते हो, लिस्ट खेलता है यूनिवर्ड आइसलैंड के लिए, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट होगा ना ग्रेनाडा के लिए। जेमी बडी 2 ओवर डालने वाला बॉलर, देखो ध्यान दो 2 ओवर वाले बॉलर्स कौन से है इस टीम से ना, 2 ओवर वाले बॉलर मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा, शेरोन लुइस है जो आपके लिए जहर पीक है, वो इस सीरीज के लिए ये इंटरनेशनल भी खेल चुका है, लास्ट ईयर भी बहुत सारे मैच में विकेट लेस, बट स्टिल मैं बोलूंगा बैक करो, शेरोन लुइस नंबर 1। नंबर 2 है दोस्तों इस टीम से साइरस आपको बॉलिंग करते हुए दिखेगा, नंबर 2 ओ रियान जॉन, नंबर 3, नंबर 4 जेमी बडी, नंबर 5 दोस्तों जे एस्टीपॉल और डी अलेक्जेंडर। इनमें से अगर आपको रिस्क लेना है तो दोस्तों अलेक्जेंडर बॉलिंग फर्स्ट ट्राई कर सकते हो, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिन है, ज्यादा लेफ्ट आर्म स्पिनर इनके पास नहीं है, और ओपोनेंट के पास भी बहुत सारे राइट हैंडेड बैटर है, तो ये सोचते हो आप इनको रिस्क ले सकते हो। जे एस्टीपॉल डिसेंट सा ऑप्शन है ट्राई करना, बट इतना सारा बॉलर तो एक साथ नहीं खेलेगा, 5 बॉलर जो 2 ओवर वाले बॉलर है उनको ही अपनी टीम में ट्राई करना है, बहुत ज्यादा रिस्क और अलग टीम क्रिएट करने का ट्राई मत करो। ये T10 है, इसमें दोस्तों जो यहाँ का जो T10 होगा ना, स्पाइस आईसेल T10, यहाँ पे रन थोड़े से कम बन सकते हैं, जो अच्छे बैटर है बहुत खास बैटर है जैसे कि अलेक्जेंडर, एंड्रे फ्लेचर, ये बैट्समैन बड़े स्कोर बना सकते हैं, बट किसी डोमेस्टिक प्लेयर या फिर जैसे कि बेंजामिन हो गया या ऐसे प्लेयर्स को, नैथराम हुआ, ऐसे प्लेयर्स को बहुत लेस ट्राई करो, कैप बीसी ग्रैंड लीग में यूज करना, स्मॉल लीग में मत करना, ठीक है। स्मॉल लीग में दोस्तों आप ऑलराउंडर रियान जॉन, केम चॉल्स जैसे प्लेयर्स मेरे हिसाब से सेफ है, या फिर ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो किसी बॉलर के साथ जाओ, क्योंकि 2-3 विकेट कोई भी बॉलर निकाल सकता है जो कैप्टन वाइस कैप्टन बन जाएगा। सीधा चलते हैं दोस्तों हमारे ड्रीम 11 टीम में गाइस। दोस्तों फिलहाल ये रहेगा मेरा ड्रीम 11 टीम, कैप्टन बनेगा रियान जॉन, मेरा वाइस कैप्टन बनने वाला है दोस्तों केम चॉल्स, ठीक है। फिलहाल ये रहेगा अपडेट, डेवन स्मिथ है हमारे पास, जी बेंजामिन है हमारे पास, हमारे पास है दोस्तों आर कटो, एच कैम्बेल है हमारे पास, एन पास्केल, शेरोन लुइस, डी साइरस, जेमी बडी, के हैमिल्टन। इतना सारा बैटर लेने का अगर जरूरत ना लगे आपको तो इनके जगह एक्स्ट्रा विकी हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे, ये पॉज में रखता हूँ मैं फिलहाल, आफ्टर टॉस ये कॉल मैं लेने वाला हूँ, बट ये ज़्यादा बेटर बैट्समैन है कम्पेयर टू डेवन स्मिथ, बेटर बैट्समैन है कम्पेयर टू डेनिस स्मिथ, बट डेनिस स्मिथ विकी से पॉइंट दे सकता है। फिलहाल दोस्तों ये रहेगा अपडेट, बट इस मैच के रिलेटेड कुछ भी और अपडेट होगा ना, डेमो टीम होगा गाइस, शेयर करूंगा मैं टेलीग्राम पे, जुड़ना है टेलीग्राम जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं मैच टाइम पे।